हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. न्यूज़ सुनो. पैनिक में पाकिस्तान. पीएम मोदी और अजीत डोवल का ऐसा प्लान. टॉप वर्ल्ड की न्यूज़ है ये. चलो देखें क्या है प्लान. यार प्लान बहुत बड़ा तगड़ा होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान बड़ा दुखी कर रहा है. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन सुभाष बोस. Netaji said, I will not compromise for anything less than full independence. He had the audacity to challenge Gandhi. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash. ये जो मैं पहली बार अभी सुना था ना पिछली वीडियो देखना. That Prime Minister Modi has been somebody who was very keen to resurrect it. क्या बोला मैं सुन. अजीत डोभाल जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोले तो धारा प्रवाह बोलते ही चले गए. उनके जुबान पर महात्मा गांधी भी आए, जिन्ना भी आए, बंटवारा भी आया और पीएम नरेंद्र मोदी भी. बहुत ही कम मौके हैं जब अजीत डोभाल पब्लिकली इस तरह से बोलते हैं. जब भी बोलते हैं तो बड़ा नपातुला बोलते हैं, ना ही कोई किस्से सुनाते हैं. लेकिन जब बात आती है सुभाष चंद्र बोस की, हिंदुस्तान के इतिहास और भविष्य की, तो डोभाल बेबाक बोलते हैं. आई विल नॉट बेग फॉर फ्रीडम, इट इज माई राइट. नेताजी, India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. He gave that spirit of this courage. And see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, Kadam kadam badhayega, khushi ke geet gaayega, kaum ki hai zindagi, kaum pe rulayega. अजीत डोभाल के बयान में बात बंटवारे की आई. नाम सुभाष चंद्र बोस का आया तो कांग्रेस को नागवार गुजरा. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और एक के बाद एक सवाल दागते हुए अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने सवाल किया, अगर नेताजी जिंदा होते तो क्या बंटवारा नहीं होता? नहीं होता. कौन कह सकता है, क्योंकि 1940 तक नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे. इस पर आपकी राय हो सकती है लेकिन ये एक विरोधाभासी सवाल है. अजीत डोभाल के बयान पर भले ही आज कांग्रेस सवाल उठा रही है लेकिन अजीत डोभाल की अहमियत को कांग्रेस की सरकार को ट्रस्ट करते हैं, तुम लोगों को नहीं. ये तस्वीर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान की बताई जा रही है जिसमें तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के साथ अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं. बंटवारे की बात कर रहे हैं तो भारत की संसद में लगे अखंड भारत की तस्वीर की बात करना भी जरूरी है. 28 मई को देश की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा और उसके 21 दिन बाद अजीत डोभाल का कहना कि नेताजी होते तो बंटवारा नहीं होता. क्या ये महज इत्तेफाक है, कोई सहयोग है, कोई इशारा है या मोदी सरकार किसी खास प्रोजेक्ट में लगी है? अजीत डोभाल मेनस्ट्रीम मीडिया और बयानबाजी से दूर ही रहते हैं. यही वजह है कि उनकी चर्चा हिंदुस्तान में कम होती है लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में वो हमेशा छाए रहते हैं. अजीत डोभाल, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure, who has had the same vision to come together and say what can we do to change. प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी खास मिशन पर होते हैं या स्पेशल मीटिंग में जाते हैं तो अजीत डोभाल हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं. तस्वीरें जापान के हिरोशिमा में हुए G7 शिखर सम्मेलन की हैं, जब ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से युद्ध खत्म करने के लिए पीस फॉर्मूला मांगा. उस समय भी पीएम मोदी के एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर थे तो दूसरी तरफ NSA अजीत डोभाल. भारत लौटते ही अजीत डोभाल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के स्टाफ प्रमुख एंड्री यरमक से बात की और यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस को खत्म करने का फॉर्मूला भी दे दिया. अजीत डोभाल कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते.
यूक्रेन की मदद करके अजीत डोभाल ने रूस को भी कड़ा संदेश दिया है, जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील करके भारत की दोस्ती को चुनौती दे रहा है। दरअसल अजीत डोभाल बोलते कम हैं और सिर्फ काम पर फोकस रखते हैं। किसी को पता भी नहीं होगा कि पिछले दो महीने से अजीत डोभाल किस सीक्रेट मिशन पर लगे थे। ये तस्वीरें सऊदी की राजधानी रियाद की हैं, जिसमें अजीत डोभाल के साथ में अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन और यूए के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान हैं। इस दौरान अजीत डोभाल ने सऊदी के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। ये मुलाकात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार अरब देशों के साथ जोड़ने वाले एक मेजर रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी अजीत डोभाल पर ही है। वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रेलवे में भी हेल्प कर रहे हैं। यही नहीं, दुनिया की सुपर पावर से कैसे डील करना है ये भी अजीत डोभाल को अच्छी तरह करके भी आए हैं। फिर चाहे वो सुरक्षा की बात हो या टेक्निक के आदान प्रदान की, वही तो। अजीत डोभाल अपने इस मिशन को भी बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अजीत डोभाल पिछले दो महीने में अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। 7 मई को सऊदी में मिले, मई में ही ऑस्ट्रेलिया में क्विड शिखर सम्मेलन में मिले और अब भारत में मुलाकात हुई। भारत और सुपर पावर की बढ़ रही नजदीकियां चीन और पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं और एक पैनिक क्रिएट कर रही हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों के सूत्रधार भी अजीत डोभाल ही हैं। जब जब मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई, अजीत डोभाल की मौजूदगी भी दर्ज की गई। साफ है सुपर पावर से रिश्तों को मजबूत बनाने वाली डोभाल की रणनीति काम कर रही है, जो मोदी के अमेरिका दौरे से पहले दिखाई भी दे रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ समय से न सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि सैन्य समझौतों के साथ ही टेक्निक का आदान प्रदान भी हो रहा है। अजीत डोभाल को समझना बेहद मुश्किल है क्योंकि उनके काम करने का तरीका और पैटर्न बेहद जुदा है। वो अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं और रिजल्ट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही वजह है कि विरोधी भी उनके मुरीद हैं। बाकी देखो कितना खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता है। 75 साल के अजीत डोभाल को इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में जासूस के रूप में बिताए। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं, तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, वहां से गुजर रहा था उस औलिया के, उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा मेरे साथ, मैं उसके साथ चला। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में, उसने दरवाजा बंद कर, उसने कहा देखो तुम हिंदू। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए। तो मैंने कहा हाँ, कि मैं जब पैदा हुआ था तो वो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट। उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। अजीत डोभाल बेहद कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं निशाने पर दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी इज मेनी मेनी टाइम हायर देन ऑफ इंडिया। वंस दे नो दैट इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स गियर फ्रॉम द डिफेंसिव मोड टू डिफेंसिव ऑफेंस, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. There is no nuclear war in Dubai. There is no engagement of force. You know the tricks, you know the tricks. ये अजीत डोभाल का ही जिगरा है कि उन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान को तोड़ देने तक की धमकी दे डाली। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में कई साल बिताए, इसीलिए वो पाकिस्तान की एक एक चाल से वाकिफ रहते हैं। यही वजह है कि उनकी कोई भी रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ फेल नहीं होती। बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यूट्यूब्स का भी ध्यान करो, उसके पीछे भी डोभाल का ही दिमाग है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान को चेतावनी भी दे चुके हैं। टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस एंड इट्स फाइनेंसिंग आर अमंगस्ट द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore,
for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373 and successor resolutions. दुनिया के बड़े रणनीतिकारों में शुमार अजीत डोभाल देश के पांचवें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जबकि भारत में ही उनके स्पेशल ऑपरेशन की लिस्ट लंबी है। 80 के दशक में मिजोरम के उग्रवाद को शांत किया, 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया, 1999 में गंधार हाईजैकिंग के दौरान भारत की तरफ से बात की, 1971 से 1999 तक 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड रहे। साल 1944 में भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश को आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे का दंश भी सौगात में मिला। अब पीएम मोदी का मिशन न सिर्फ उस जख्म को भरने का है बल्कि भारत को अखंड भारत के साथ ही विश्व गुरु बनाने का भी है। यही वजह है कि अजीत डोभाल बंटवारे की याद ताजा करके साफ कर देना चाहते हैं कि जो गलतियां इतिहास में हुई उसे भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा। कमाल का वीडियो था। Very nice. अच्छा, जो इन्होंने शुरू में दिखाया था ना पार्ट की, जब वो बता रहे थे कि जो जिन्ना है वो उसने पार्टीशन नहीं करना, तहलका मच गया इस स्टेटमेंट से। नहीं, वो जब मैंने पिछली वीडियो में सुना ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे को ये धक्का लगा, उसमें मेरी रिएक्शन पहले भी हमने सुना हुआ है। मैंने मेरे को नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा या जो था, मेरे को पहली बारी, मुझे ये पता था कि वो सिलेक्टेड थे और वो सब, वो मैंने पहले भी वीडियो में ये सब बताया है, पर ये मुझे नहीं पता था कि भाई उनको अगर जिन्ना ने, हाँ, कांग्रेस ने इतना झूठ बोला हुआ था लोगों के सामने। बहुत अच्छी बात है कि ये जो है सारी खुलासे अब कर रहे हैं ताकि पब्लिक जो हो उसको सच्चाई पता चले, क्योंकि इतना पागल बना के रखा हुआ था कांग्रेस ने लोगों को कि अभी तक उनको लग रहा है कि हिस्ट्री नहीं ठीक पता। अब का पता होता हमें कि भैया हमारा पार्टीशन रुक सकता था जब अगर राइट जो इलेक्टेड थे उनको बना देते प्राइम मिनिस्टर, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो हमारी कंट्री टूटती नहीं, टूटती। तब हमने देखा होता कि चाइना बच्चा होता हमारे सामने और प्रोग्रेस भी हुई होती। कोई भी इंसान इंडिया की कोई लैंड नहीं ले पाता, जैसे एक्सचेंज चला गया, कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान चीज लड़ी, ये कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट इंडिया जो है पूरा ह्यूज, इतनी बड़ी कंट्री होता और हम चाइना की तरह स्ट्रांग होते और चाइना इंडिया की तरह नीचा होता। करेक्ट, ये होता, ये होता। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग जो अपनी पॉलिटिक्स लेके आते हैं और जो डिजर्विंग लोग हैं, जब उनको नहीं गवर्न करने देते अपने पॉलिटिक्स के वजह से, वो कंट्री को डुबा देते हैं। बिल्कुल। और इतने समय से कांग्रेस वाले डुबा ही रहे थे कंट्री को। अब और मोदी जी ने हरेक हीरे को अपने पास रखा हुआ है, जबकि अगर वो रिटायर होना चाहते तो उनको पकड़ के फिर खींच के ले आते हैं। ये कमाल है मोदी जी का, नहीं कोई रिटायरमेंट नहीं होनी, अभी जरूरत है देश को तुम्हारी। और उनको जहां जहां भी मोदी जी आते हैं, मिस्टर डोवल और मिस्टर जयशंकर उनके साथ होते हैं, देख लो हर क्रिटिकल जगह पे। क्या कमाल है। और करेंगे कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना है, प्लान बहुत बड़ा है। यूएस भी आएंगे दोनों। हाँ, वो तो आने ही आना है यार। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।